शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण से जुड़ी तमाम बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में किसानों के हालात और भी लाचार हो गई है। इससे ग्रामीणों में इस सरकार के खिलाफ काफी रोष है, ऐसी जानकारी जिले के ग्रामीण विधायकों ने दी है। ग्रामीण की कई समस्याएं, उस समस्या को उजागर करने के लिए ज्ञापन दिया गया, जिसके अंदर कई बातें आज जिलाधिकारी को दी गई। खास बात तो यह है कि विदर्भ हो या महाराष्ट्र में बम्पर किसान कपास का उत्पादन हुआ, लेकिन केंद्र शुरू ने ऐसी कई बातें इस समय हमारे साथ में पुद्दार जी है और समीर मेघी जी, उनसे भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले मेघी साहब ये बताएं कि क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से ज्ञापन दिया गया कि आपके ज्ञापन को कितना न्याय मिल सकता है। महाभोगस आघाड़ी सरकार है। आज हर जगह, मैं मेरे मतदार संघ की बात करूंगा, आज इतने बड़े पैमाने पे बाहर के माइग्रेंट वर्कर मेरे यहाँ पे काम करते, आज उनको राशन नहीं है, उनको काम नहीं है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नड्डा जी ने हमें आदेश दिया, तो हमने पिछले 2 महीने से लगातार लोगों को भोजन देने का काम किया, पर सरकार अपने एरिया में पूरी तरह से फेल है। ना आरोग्य में काम है, ना किसानों के लिए उन्होंने न्याय दिया। आज इतने बड़े बड़े पैमाने में कपास हमारे क्षेत्र में है और हम लोग निवेदन देते देते थक गए थे कि सीसीआर का सेंटर चालू करें। मैं आदरणीय गडकरी साहब का मनोपूर्वक आभार मानता हूँ, मैं उनके पास गया, अगले दिन उन्होंने सेंटर चालू करके दिया, मगर वहाँ पे भी कृषि उत्पन्न बाजार समिति में सब भ्रष्टाचार का काम है और राष्ट्रवादी के ताबे में है, तो सब भ्रष्टाचार का काम चल रहा है। ना किसानों का, ना गरीब मजदूर लोगों का, पूरा बोगस काम ये महाबोगस सरकार कर रही है। आप क्या कर रहे थे मुद्दा साहब? एक तो राशन के संदर्भ में एक बहुत बड़ी समस्या है कि कई लोग ऐसे हैं कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, वो रह रहे हैं। हम हमेशा से मांग करते आ रहे हैं कि वो व्यक्ति यदि वहाँ है तो उसको राशन दिया जाए, चाहे उसके पास आधार कार्ड हो या ना हो। और कल तो उच्च न्यायालय ने भी इस संदर्भ में निर्देश दिए है। हमारी ये मांग है कि उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए है उसका पूरी तरह से पालन जिलाधिकारी कार्यालय ने करने चाहिए और हर व्यक्ति जिसके पास राशन कार्ड हो ना हो, आधार कार्ड हो ना हो, उसको राशन देना चाहिए। और दूसरी, काश्तकारों की समस्या जो नागपुर ग्रामीण में है वो बहुत गंभीर स्वरूप धारण कर चुकी है। कपास लोगों के पास है, सरकार कपास खरीदने को तैयार नहीं है। और हमारी मांग है, यदि सरकार खरीदी नहीं कर सकती तो भावांतर योजना, जैसे कि मध्य प्रदेश में लागू की गई, वैसी भावांतर योजना लागू की जाए, ताकि यदि प्राइवेट में कोई 3500 से खरीदता है तो 2000 रुपये सरकार ने काश्तकारों के खाते में पर क्विंटल डालने चाहिए, यह हमारी मांग है। आज सरकार ने कर्ज माफी जाहिर की, लेकिन अभी तक के कर्ज माफी का जीआर ये पहुंचा नहीं है और अभी लोगों को न ऋण मिल रहा है, न अपना माल वो बेच पा रहे हैं, और इसलिए आने वाले समय में वो कैसी खेती करेंगे, खेती की लागत के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, ये बहुत गंभीर समस्या है। और हमारा मानना है कि सरकार ने यदि इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो कोरोना से तो कम लोग मरेंगे, लेकिन काश्तकारों की आत्महत्या ज़्यादा होगी, और इसलिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज हमने यहाँ पर निवेदन दिया है। आने वाले समय में इसका उग्र आंदोलन हम निश्चित तौर पर जनता के लिए करेंगे। महात्मा साहब, आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा, आप टीवी देखेंगे तो सबसे पहले कहा जाता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस है। यह क्यों है? ये बहुत बुरा लगता है कि महाराष्ट्र का नाम इस तरीके से सब भारतवर्ष में घूमे। अब ऐसा कहा जाता था कि महाराष्ट्र में बाहर देश से मुंबई में काफ़ी लोग आए हैं, लेकिन गोवा में भी काफ़ी लोग आए, लेकिन गोवा में तो कोई पॉजिटिव केसेस नहीं आई। तो मेरा ये कहना है, ये सरकार पूरा फेल्यूर है। आप देखेंगे यहाँ जब टेस्ट करते जाते हैं हम, तो 24 घंटे उसको वहीं रुकना पड़ता है। मैं पत्रकारों को पूछना चाहता हूँ कि कितने लोगों का चेकअप हुआ है? ज़रूरी नहीं है क्या आप में से कई लोगों को पॉजिटिव निकला होगा, कई बीमारियाँ हो जाएंगी, आगे जाके इसकी परेशानी बढ़ेगी। तो ये जो हो रहा है, आप देखेंगे सिर्फ मुंबई नहीं है, औरंगाबाद, मालेगांव, पूना, सोलापुर, यहाँ पर केसेस बढ़ रही है। तो ये सरकार पूरा फेल्यूर है मेरे ख्याल से, कोरोना के लिए जो लड़ाई में लड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा यानी महाराष्ट्र में ही केसेस हैं। वैसे ही कहा गया अभी, जैसे कि मुझे लगता बहुत बुरा कि जबकि खाना नहीं मिल रहा लोगों को, राशन नहीं मिल रहा, और अभी तो सुप्रीम हाईकोर्ट का आदेश भी है, तो तुरंत कम से कम राशन तो मिले। ये बहुत बुरा लगता है जब आप लोग
टीवी पर दिखाते हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स जा रहे हैं लेकिन वो दो दो दिन से खाना नहीं खाए हुए, तो इसलिए कम से कम उन्हें राशन, उसके पास राशन कार्ड हो या ना हो, मिलना चाहिए। ये तो NGOs भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने बहुत काम किया है, इसलिए सब सुविधाएँ यहाँ पर हो रही है। सर, आपने जिस प्रकार से जिलाधिकारी को जो कुछ टॉपिक जो बताया उसके ऊपर में काफ़ी उन्होंने हामी भी भरी है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हो आप? 2 लाख के ऊपर का जो कर्जा किसानों के ऊपर में था जी, उसको OTS योजना के माध्यम से, जैसा फडणवीस जी सरकार ने किया था 1.5 लाख के ऊपर का कर्जा OTS योजना लाकर, उनका उन्होंने मंत्रिमंडल में घोषणा की है, लेकिन अभी तक बैंकों तक उसका GR ना आने की वजह से 2 लाख के ऊपर के जो कर्जदार किसान हैं वो अभी कर्ज मुक्ति से मुक्त है, मतलब उनको मुक्ति नहीं मिली है, और बैंक वाले बोल रहे कि अभी तक GR आया नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, ऐसा 50,000 रुपये जो रेगुलर किसानों को देने वाले थे उसके बारे में भी GR आया नहीं, ये 2 बातें मैंने उनसे कही। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि 14,000 हेक्टर हमारे विजापुर तालुका में और 4,000 हेक्टर उमरेड तालुका में पिछले साल का नुकसान था जुलाई अगस्त का, उसका GR आया हुआ है बट उसके भी पैसे लोगों को अभी तक मिले नहीं है। ये दोनों तीनों मुद्दे हमने अभी माननीय कलेक्टर महोदय के सामने रखे हैं। पारा जी, आप क्या कहना चाहोगे? कोरोना के संकट में अभी भारतीय जनता पार्टी रास्ते पे आई है, केंद्र से माननीय नरेंद्र मोदी के माध्यम से पूरे देश में पूरे राज्यों में पैकेज के माध्यम से बहुत बड़ी सुविधा जनताओं को प्राप्त हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता जिस हिसाब से इस महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से सुविधा चाहती है, उस तरह की सुविधा महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं दे पा रहे। वो पूरे लॉकडाउन है, उनका तो सही मायने से देखा जाए तो पूरे जिले में उनका दौरा होना चाहिए, उनके मंत्री का दौरा होना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से उनका दौरा नहीं है, कुछ सोच नहीं है। पूरा पैकेज जो दिया गया है केंद्र शासन से आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब के माध्यम से दिया है, यहाँ पे तो अपना तो फिक्स डिपॉजिट इतना है कि 7,000 करोड़ रुपये का ब्याज अपने को मिलता है। नरेंद्र मोदी साहब ने महिलाओं को पैसे डाले जनधन के आधार पे, किसान को डाले हैं 2,000 रुपये की 6,000 की इंस्टॉलमेंट डाले, कम से कम ये ब्याज में से नहीं जा रहा तो 1,500 रुपये भी ये सरकार डाल सकती है महाराष्ट्र की, लेकिन इच्छा शक्ति इनकी नहीं है, इनके पास में विजन नहीं है, ऐसी फेलियर सरकार इस महाराष्ट्र में बैठी है, किसी के तरफ देखने की इनकी आवश्यकता नहीं है, देखते नहीं है, उनकी सभी यंत्रणा फेलियर हो चुकी है। इसलिए मोदी साहब भी 15-15 लाख रुपए हर किसी खाते में डालने लगते नहीं, वो आप जो बोल रहे हैं ना उस हिसाब से उनकी उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन जिस हिसाब से अभी उन्होंने जो कहा है, जो पैकेज दिया है, वो तो उनका राजकीय फंडा है, वो 15 लाख रुपए का जो बोल रहे हैं तो वो राजकीय फंडा है, उस हिसाब से उन्होंने बात नहीं किया है, लेकिन जो भी बात किया है उस हिसाब से उनके खाते में पैसे अभी भिजवाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। हम ये दावे के साथ कहते हैं, एविडेंस के साथ में कहते हैं, इसलिए ये सरकार महाराष्ट्र की सरकार फेलियर है। यदि किसानों को, आम जनताओं को ये सहकार नहीं करती तो आगे में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी उग्र रूप धारण करेगी, उग्र आंदोलन करेगी, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। पार्वत, ज़्यादातर मैं आखिरी का सवाल मेरा ये आपसे कि यदि उद्धव ठाकरे अगर आपके साथ अगर उन्होंने अलायंस की होती तो क्या फिर अच्छे होते? वो क्या है, विजन रखने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने काम किया, जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, आदेश दे रहा है, काम भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती, प्रैक्टिकल काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। से पिछले 25 वर्षों से अलायंस था, क्या वे पार्टी तब नहीं बात समझी कि शिवसेना अपने काम की नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, कैसा है, अलग अलग तरीके से अलग अलग विषय चलता है, लेकिन आज जिस हिसाब से काम करे, एक मेक का चेहरा नहीं देखने वाले आज एक साथ आए हैं, तो गलत क्या? जिस हिसाब से महाराष्ट्र की सरकार ने, महाराष्ट्र की जनता ने कॉल दिया है, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का युति का शासन उसको कॉल दिया है, लेकिन अपने रणनीति क्या होंगी पारवी जी, एक विधायक के तौर पर अगली रणनीति आपकी क्या होगी? अपनी, हमारी रणनीति यह है कि जनता की अदालत में जाके हम जनता के लिए, जनता के हित के लिए काम करना चाहते हैं, उस हिसाब से काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हम जनता में जाएंगे, केंद्र शासन से आने वाली जो सुविधा है पूरी तरह से हम गरीब लोगों की तरफ पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन ये महाराष्ट्र की जनता यदि काम उस हिसाब से करती नहीं तो ये उनका पर्दाफाश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी रास्ते पर आएगी। स्थायी समिति की ओर से जिस प्रकार से बजट जो जारी किया जा रहा है, क्या आपको लगता है आज क्या कंडीशन बनी हुई है स्थायी समिति की, क्योंकि मनपा के जो
प्रशासन जो कामकाज कर रही है, आप में कितना कोऑर्डिनेशन या सहयोग मिल रहा है आपका? नागपूर महानगरपालिकेचा स्थायी समिति अध्यक्ष म्हणून जी आमची जबाबदारी आहे आम्ही ती रितसर पार पाडत आहे। एकीकडे शहरात विविध बैठका आयुक्त आयोजित करत आहे, मात्र स्थायी समितीच्या बैठकीस त्यांनी ज्या प्रकारे नकार दिला आहे हे कुठेतरी प्रश्नचिन्ह निश्चितच उद्भवत आहे। कारण अनेक शहरांच्या पुणेसारखं मोठं शहर जिथे कंटेनमेंट आहे आणि कंटेनमेंट झोनमधल्या अनेक शहरांमध्ये बैठका होत आहे, मग ते पुणे असो, अमरावती असो, चंद्रपूर असो, धुळे असो, सांगली महानगरपालिका असो, अनेक महानगरपालिकांमध्ये विविध बैठकांचं आयोजन स्थायी समितीच्या होत आहे। मात्र नागपूर शहरात स्थायी समिती जी अत्यंत महत्त्वाची समिती आर्थिक बाबींच्या संदर्भात आहे, स्थायी समितीला येत्या काही दिवसात आपला बजेट सादर करायचा आहे। स्थायी समितीला शहरात कोविडच्या संदर्भाने विविध स्तरात जे काम सुरू आहे त्याचं आकलन करायचं आहे। स्थायी समितीला नागपूर शहरातील जे विकास कामं प्रलंबित आहे त्या संदर्भात शहराचा आढावा घ्यायचा आहे। शहरात अनेक जे पाण्याच्या प्रश्नाच्या संदर्भात काही विषय असतील त्यावर चर्चा करायची आहे। असे अनेक विषय नागपूर महानगरपालिका संबंधित जे आहे त्या सर्व विषयावर चर्चा करण्याकरिता आम्हाला ही स्थायी समितीची बैठक घेणं अत्यंत अनिवार्य आहे आणि तो कायद्याने दिलेला मूलभूत अधिकार सुद्धा आहे। पिंटू जल की जी बताइए, जहाँ जल की बात है, रामबाग में ये जो परिसर है आपकी ज्यूरिडिक्शन में आता है, मुझे ये बताइए कि वहाँ पे गंदा मैला पानी अगर नलों में आ रहा है और वहाँ के पार्षद विजय चुटेले ये ध्यान नहीं दे रहे, ऐसे वहाँ की जनता कह रही है। एक आप पदाधिकारी हो और साथ साथ एक आपके पास जो विभाग है उसको लेकर आप क्या करना चाहोगे, क्या उन लोगों को कैसे न्याय दोगे? पाण्याच्या संदर्भात रामबागमधल्या ज्या तक्रारी होत्या त्या बऱ्याच अंशी आम्ही रिझॉल्व केलेल्या आहे। अशा जर कुठे तक्रारी असेल निश्चितच त्याच्यावर तात्काळ कारवाई केली जाईल। मात्र अशा प्रकारे रामबागमध्ये दूषित पाण्याची कुठलीही तक्रार विभागाकडे किंवा त्या विभागाचा सभापती मी आताही आहे जलप्रदाय विभागाचा, त्यामुळे अशी कुठलीही तक्रार माझ्यापर्यंत अद्यापही आली नाही। अलर्ट काय करा, निश्चितच जर अशा प्रकारे तक्रार आली तर त्याच्यावर निश्चित कारवाई होईल आणि तात्काळ ती समस्या सोडवली जाईल।